गिरडी से सोनू भैया जीते। क्यों क्या वजह? काम देखिए उनका, काम इतना सारा, काम लाइट है, रोड है, कौन किया 10 साल में? तो जो विधायक तो किया ना। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यार? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे तो हम लोग का शौक है कि कल्पना सोरेन भाई। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुनिया देवी। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा मोदी जी। हाँ मोदी जी प्रधानमंत्री है मोदी जी ना। उम्मीद तो ज्यादा हम लोग को नवीन चेजा का लग रहा है, चाहे कि वो उनको आना भी चाहिए आगे। वो अभी एक नया उम्मीदवार है और प्लस जयराम महतो के साथ है, तो जयराम महतो जी एक ऐसा उम्मीदवार है, नौजवान है, कि जो बहुत आगे भविष्य बना सकते हैं गिरिडीह से। सोनू भैया जीते। क्यों क्या वजह? काम देखिए उनका, काम इतना सारा, काम लाइट है, रोड है, कौन किया 10 साल में? तो जो विधायक तो किया ना। हम लोग तो उसी को वोट देंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यार? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे तो हम लोग का शौक है कि कल्पना सोरेन बैठे, लेकिन चलिए सरकार तो अपना ही आएगा। जय में सत्ता सबके हाथ में, गिरिडीह में कौन जीतेगा ये बोलना मुश्किल है, समझे ना। कि अभी चुनाव जो प्रचार हो रहा है, क्या पता झामुमो जी सकती है या बीजेपी जी सकती है या फिर जयराम महतो जी सकता है, ये कहना मुश्किल है। ये चुनाव के बाद ही जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। इसमें ना ही हम किसी की तरफ बोल सकते हैं कि कौन जीतेगा। जीत रहा भैया अभी तो हम लोग को तो लगता है शिव सोरेन ही झारखंड में हिसाब से, समझे। हम लोग को तो उसी तरफ के कांग्रेस, हाँ जेएमएम में ही लग रहा है हम लोग को। अब जाने कौन किसका है ना, झारखंड के जैसे हम लोग हैं ना, एम एम सोरेन को जैसे होता है ना हम लोग ना, उसी तरह से हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, है ना। क्या देखिए, हर चीज़ हर समय में होना चाहिए, हर चीज़ का बदलाव होने से बढ़िया क्या जानते हैं। हर चीज़ का बदल समय होना भी चाहिए, समझ न। लागू जैसे समय सुन हर चीज़ का सुविधा कर रहा है, तो उससे हम लोग का गरीब आदमी को परिवार को सारी सुविधा समय ना अच्छा से मिल रहा है। जब सुविधा हो रहा है और गरीब का भला भी थोड़ा हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि अच्छा दिन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अच्छा वही बने, अच्छा रहे। जय मैम, सुधीर कुमार सोनू विधायक जी। क्या वजह? वजह यही है कि जितना काम किया, बहुत से सारा काम किया, जैसे यूनिवर्सिटी बना दिया, एग्जाम्पल में ले लिए, 4 लाइन रोड बन रहा, बस इसी वजह से काम अच्छा किया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या ची? मुख्यमंत्री कौन बनेगा झारखंड का? हेमंत सोरेन। गिरिडीह में कौन जीतेगा? सोनू भैया। कौन है सोनू भैया? विधायक। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सोनू भैया। गिरिडीह से कौन जीतेगा? देखिए उम्मीद तो ज्यादा हम लोग को नवीन चेजा का लग रहा है, चाहे कि वो उनको आना भी चाहिए आगे। वो अभी एक नया उम्मीदवार है और प्लस जयराम महतो के साथ है, तो जयराम महतो जी एक ऐसा उम्मीदवार है, नौजवान है, कि जो बहुत आगे भविष्य बना सकते हैं गिरिडीह का। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि ज़्यादातर सपोर्ट नवीन चेजा का रहेगा। कैंची छाप आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा प्रचार कीजिए हमारे नवीन चेजा के बारे में। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो तो अभी नहीं कह सकते हैं, इस बार उम्मीद या तो बीजेपी या फिर जेएमएम दोनों का हो सकता है। कौन जीतेगा गिरिडीह में? हाँ गिरिडीह में कौन जीतेगा? गिरिडीह में कौन जीतेगा? पक्का हेमंत सोरेन जीतेगा, मोदी ना जीतेगा। हाँ मोदी मार देख लीजिए, करे ना भी फ्री फायर खेल रहे हैं। देखिए फ्री फायर खेल रहे हैं, क्या मिलता है फ्री फायर के लिए? मस्त एंजॉय, टाइम पास, एकदम मस्त। हाँ अभी तो देखिए भैया, कोई नहीं बता सकता है, जैसा माहौल है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो कौन नहीं कह सकता। इसका माहौल है माहौल तो देखिए बीजेपी का ही। मुख्यमंत्री कौन बनेगा झारखंड? देखिए अभी तो मौला ने कुछ ना कह सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी इलेक्शन जब तक करीब नहीं आएगा तब तक अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। हम लोग हैं बेंगाबाद थाना से, अमर ठड़कर आने वाला। कौन जीतेगा? खाली बीजेपी। मुख्यमंत्री कौन बने? जो बने हम लोग बीजेपी एक वोट देंगे, हाँ बस, बाकी कोई छाप कहीं जाए उससे कोई मतलब। क्या वजह कि बीजेपी को वोट देंगे? कोई वजह नहीं, हमारा शुरू से बाप परदादा से चल रहा है, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे सीधा बात। चाहे बीजेपी में कोई भी अंधरा नेंगड़ा कोई भी खड़ा हो जाए, हाँ उससे कोई मतलब नहीं। कल्पना सोरेन के देवे करेंगे वोट हम लोग नहीं, वो खाली रविदास और अपना जात को देखता है। हम लोग कल देंगे कल्पना सोरेन को वोट, हेमंत सोरेन रहे या कल्पना सोरेन रहे, यादव को देख रहा है कौन जी, है कि नहीं? जब हमको कुछ वो दही तो हम कर देंगे उसको वोट। हमारा कमल फूल में कुछ आवे या ना आवे वोट कमल फूल में जाएगा। बस कौन जीतेगा?
कौन जी तो कैसे कहे भाई, बाकी अपने पर निर्भर करता है, लेकिन जेएमएम को क्या वजह देना, बस वजह क्या है, सबको अच्छा शिक्षित दे रहा है और क्या, सबको मिल रहा है, जो भी मिल रहा है अच्छा है। मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री तो शायद जेएमएम ही बनेगा। क्या समस्या है गिरिडीह में? समस्या जो है पानी का है, तो एक नाली वगैरह जो है, गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये सब बेहतर होनी चाहिए। और अभी दीपावली का त्यौहार है, बेहतर हो, जितना अच्छा से अच्छा होनी चाहिए। गिरिडीह से कौन जीते? देखिए जीतने की बात और हारने की बात वो तो एक अलग सी बात है, हमारी जनता जिन्हें पसंद करते हैं और जो एक जो भी हमारे विधायक जी हैं और सब लोग के लिए कर रहे हैं जो काम, वो भी बेहतर ही है। और लेडीज लोग भी हैं, जो भी हैं बहन बेटी लोग भी हैं, सारे लोग ही खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि सारे सभी का अकाउंट में पैसा भी आ गया है, उनके ज़रूरत का सामान मिल गया, सब चीज़ जो भी अपना ज़रूरत का चीज़ खरीद सकते हैं, तो सभी वो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। तो अगर सोनू जी का चांस और डबल बनता है कि जैसे विधायक जी का, देखिए काम बहुत सारा है, लोग देख ही रहा है कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी देखिए आपका जो भी परेशानी थी पुल वगैरह जो बनना उनना, वो भी माशाल्लाह सब कुछ अच्छा से हो ही रहा है। लोग विधायक जी को भी लोग चाहते हैं और क्या, और बेहतर है अपना, सब अच्छा बुरा तो सब लोग जानते ही हैं, मगर कोशिश कर। देखिए अभी तो मतलब चुनावी प्रक्रिया बहुत तेज हो गया है, जहाँ तक मतलब देख रहे हैं सब लोग एक दूसरे से जाके मिल रहे हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग किया जा रहा है, जहाँ तक कि हमको अंदाजा लगता है कि मतलब इस मतलब समय जेएमएम का सीट यहाँ पे कंफर्म होने जा रहा है, क्योंकि वो डोर टू डोर उनका कैंपेनिंग है और उनका बहुत अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, वो सभी वर्गों को लेके चल रहे, ना ही मतलब उनके मतलब सिस्टम में किसी भी तरह का मतलब पक्षपात वगैरह नहीं है, वो सारा को इक्वल करके चल रहे हैं और उन्हीं का मतलब जो है सीट कंफर्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा झारखंड? मुख्यमंत्री देखिए हम लोग तो आगामी मुख्यमंत्री जो है हम लोग कल्पना सोरेन को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनको जो है बनाया जाएगा आने वाले समय में, लेकिन अभी तो दिसोम गुरु के जो लड़के हैं उनका नाम शिबू सोरेन, माननीय आपका हेमंत सोरेन जी, उन्हीं को हम लोग अभी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं वर्तमान में, और भविष्य में फिर कल्पना सोरेन को, इस तरह का हम लोग का दिमागी मंशा यही है। देखिए इस वक्त पड़ाका की दुकान में हम लोग मौजूद है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसा पड़ाके की बिक्री हुई है। बहुत अच्छी हुई है। आप उसे पूरा हिसाब किताब हो रहा आज का कितना गया? हाँ बहुत 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 बढ़िया किया बाजार, बहुत अच्छा अच्छा बाजार था, बाजार बस वो बाजार बहुत अच्छा बाजार था, जैसे दिवाली में होता है इतना बार भी अच्छा बाजार रहा। और आप जितने भी कस्टमर आए उन लोगों को वाजिब रेट में पड़ाका दिया गया और अच्छा कंपनी का अच्छा ब्रांड का, हर बार जो हम लोग सेवा देते हैं पड़ाका का इस बार भी दिए। गिरिडीह कौन जीत रहा है? देखिए अभी तो माहौल अभी कुछ बता ना सकते हैं क्या चलेगा अभी फिलहाल के लिए, अभी उम्मीद है, देखिए क्या होता है, अभी तो नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन जो जीतेगा बढ़िया रहेगा। कौन जीतेगा गिरिडीह? देखिए कौन जीतता है नहीं जीतता उससे मतलब नहीं है, हमारा जैसा गिरिडीह में काम हो रहा है, काम होता था और आगे भी और मतलब बेहतर, जैसे हमारी अलग अलग योजनाएं होती हैं, ओवर ब्रिज सड़क हो गई या फिर और भी जैसे बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती है, वो हर लोगों को मिलनी चाहिए, बस जैसा ऐसा कोई नेता हो हम उसे ही वोट देंगे। नाम तो हम डिस्प्ले अभी नहीं करना चाहते, वो तो थोड़ा सीक्रेट है। वो तो लगता है कि जेएमएम ही आएगा इस बार। कौन जीतेगा गिरिडीह से? गिरिडीह से कौन जीतेगा हमको क्या मालूम, हमारा गांडे विधानसभा से, हम गांडे से कौन जीतेगा? गांडे से हमारा बीजेपी वोट चलेगा। जीतेगा मुनिया देवी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुनिया देवी। मुख्यमंत्री 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 बनेगा मोदी जी। हाँ मोदी जी प्रधानमंत्री है मोदी जी ना। बाबूलाल मरांडी की हेमंत सोरेन? बाबूलाल मरांडी बने।